नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप सिंह। मैं भी मैदान में कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 45 जो निर्दलीय पार्षद खड़े हुए हैं विद्याशमी शर्मा उर्फ बिट्टू। आज हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो खड़े हुए हैं। धन्यवाद। मेरा मुद्दा सफाई का है। महानगर में आज सफाई नहीं रही आती है। हम 5 साल रहे, 5 साल में किसी वजह से हमारे कर्मचारी कम रहे हैं, कई वजह से सफाई नहीं हो पाई है। 8 आगे फेल हो गई थी, तो हम चाहते हैं हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सफाई है। महानगर में बाकी बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। शहर की कोई सड़क, मेरे वार्ड की कोई सड़क भी ऐसी नहीं है जो ना बनी हो। लाइट पूरे शहर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ लाइट ना हो। नी ट्यूबवेल जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे महानगर के अंदर, जो हमने लगवाए हैं पूरे महानगर में, मेरे वार्ड में 4 मिनी ट्यूबवेल चल रहे हैं, जिसमें कभी भी अगर कहीं की सप्लाई लाइट की वजह से प्रभावित होती है और दूसरे क्षेत्र की लाइट आती है, तो मेरी पब्लिक को, मेरे परिवार में जनता को पर्याप्त जल मिलेगा। अब हमारा मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सफाई है। सफाई हमारे महानगर में थोड़ी सी प्रभावित रही है, उसके लिए हमारी व्यवस्था है कि हम कर्मचारी बढ़ाएंगे। कर्मचारी बढ़ाने के बाद हरी भरी संस्था को थोड़ा सा और बल देंगे, इससे हमारे पूरे शहर में सफाई की व्यवस्था बढ़ जाएगी। बाकी कोई काम ऐसा नहीं है जो महानगर की जनता को महानगर में ना हुआ हो। उसके बाद हमारा मुद्दा रहेगा टैक्स। हम चाहते हैं जो हमारे 60 मीटर तक के मकान हैं, जो उनसे आसपास के लगभग के मकान हैं, उनके टैक्स को या तो बहुत सस्ते दर पर करके रखा जाए या उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि गरीब जनता है। हमारा महानगर अभी बहुत गरीब है और गरीब जनता जो है वो ये नहीं जानती कि हम टैक्स किस तरह से जमा करें, किस तरह से जगह जगह कैंप लगने चाहिए, सर्वे होना चाहिए। और एक सर्वे के नाम पर जो झूठ चल रहा है कि सैटेलाइट सर्वे है, और जो कर्मचारी धान नहीं कर रहे हैं उनसे बड़े सख्ती से रखा जाए। मेरे वार्ड के अंदर कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ लाइट ना हो। मेरे पूरे मोहल्ले में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ सड़क ना हो। मेरे क्षेत्र में अधिकतर सफाई की अच्छी से अच्छी व्यवस्था रही है। मेरे वार्ड में अभी तक जो क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, जो सिटी स्टेशन मुरादाबाद का बंद हो चुका है, मेरी मुहिम है कि हम अपने सभी विधायक, मेयर आदि लोगों से मिलकर कटघर स्टेशन को सिटी स्टेशन का दर्जा दिलवाऊँ। यहाँ हर ट्रेन रुकनी चाहिए, यहाँ सौंदर्यकरण हो जाए। आप देखिए रेलवे स्टेशन के सामने एक चौक बनना है, फुब्बारा बनना है, 32 लाख रुपए से ग्रीन बेल्ट का काम चल रहा है। वहाँ एक द्वार जो सद्भावना द्वार है, हाफिज साहब शिवशंकर द्वार बन रहा है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महानगर को, इसे अभी तक महानगर मानते हैं लेकिन सौंदर्यकरण के रूप से इसे महानगर में कभी नहीं माना गया। आज सौंदर्यकरण होगा तो लगेगा ये महानगर की श्रेणी में आया। मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि मैं अपने क्षेत्र को सौंदर्यता, स्वच्छता और शक्तिशाली बनाऊं। भाईचारे का वार्ड हो, भाईचारा इसमें हो और सभी लोग एकजुट होकर इस स्मार्ट सिटी बनने के लिए पुरजोर इसमें मेहनत करें। इन्हीं शब्दों से, इन्हीं ताकतों से, इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच हूँ। जनता का सम्मान, जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और यही आगे को उम्मीद है कि मैं अपने वार्ड को पूर्णतः जो है विकसित रहूँ। बस जनता का प्यार, जनता जिसे चाहती है, जनता जनार्दन होती है, जनार्दन भगवान होते हैं। जनता जो है जिसे चाहे, अगर मैंने गलत करा है तो मुझे हटा देगी, और अगर मैंने अच्छा करा है तो जनता पुनः मुझे जिता देगी। जनता के हाथ में है, जनता के न्याय पर मैं खड़ा हूँ, यही मेरा आधार। धन्यवाद। बस मेरी तो अपील है, 29 तारीख को बहुत शादियाँ हैं, बहुत सराहा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता उस दिन अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाले और समय निकाल कर मतदान जरूर करें। जलपान बाद में, मतदान पहले, और मत अपना चुनना चुनाव नाम है, तो जिसे वो अच्छा समझे उन्हें चुने, और चुनने के बाद एक अच्छे प्रतिभागी को मिनी सदन जाना जाता है नगर निगम, उसमें भेजें, जिससे हमारे शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हो, शहर में सफाई, शहर में विकास हो। भैया टक्कर उनसे होती है जो अहम और अहंकार में जीते हैं। मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है, मेरा तो चुनाव है, जो परिवार है वो मेरा पूरी तरह साथ है। वो कहते हैं टक्कर उनसे होती है जहाँ कोई खड़ा होता है, यहाँ तो शायद कोई खड़ा ही नहीं है, इसलिए मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मेरा तो विनम्र निवेदन अपने परिवार से है, मैं उनके अपना बच्चा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि यदि मैंने कुछ कार्य किए हैं तो मुझे आशीर्वाद दें,
नहीं तो मुझे नकार दे, मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है, मैं विजय प्रत्याशी। आप चलते जनता की तो देख रहे हैं कि जनता का क्या रुख है, आपका नाम कौन से वार्ड में रहते हैं आप? कितना काम कराया थे तो क्या लगता है आगे भी वार्ड नंबर